नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मैं बहुत ही टेस्टी और बिना घंटों समय लगाए गाजर का हलवा रेसिपी शुरू कर रही हूँ, जिसे आप एक बार देखेंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे इस तरीके से, क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गाजर को छील लेंगे हम यहाँ पर। ये गाजर हमारी 1 kg है। तो छीलने के बाद हम इसे क्या करेंगे कि इसे पानी से हम धो लेंगे अच्छे से। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके पीछे का जो भाग है उसे हम कट कर लेंगे और ग्रेटर से इसे हम ग्रेट कर लेंगे। यदि घंटों समय लग रही है आपको ग्रेट करने में तो आप इसे चॉपर में भी, जिसमें प्याज वगैरह चॉप करता आदमी, उसमें भी आप इसे चॉप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए ये इतना हमने घस लिया, अब हम आपको चॉप करके भी दिखा। तो चॉप करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गाजर को बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे इस तरीके से, है ना। तो ऐसे आप कट कर ले सारे गाजर को, बहुत ही झटपट और बहुत ही आसानी से बन जाती है। देखिए सारे गाजर को हमने चॉप कर लिया, अब इसे हम चॉपर में डाल देंगे। देखिए बहुत ही झटपट बन जाती है। तो यहाँ पर हम इसे ढक्कन बैठाकर मशीन लगा के इसे प्लेट कर लिए। देखिए ना मोटा मोटा, ना ज़्यादा महीन ना ही मोटा। तो इस तरीके से हम सारे गाजर को चॉप कर लेंगे, है ना कितना आसान और फटाफट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप यदि चॉप करना चाहे तो चॉप कर ले, या ग्रेट करना चाहे तो ग्रेट, आप अपने सुविधा अनुसार कर ले। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सारे गाजर को एक कढ़ाई में डाल लेंगे, और डालने के बाद हम इसमें 1 कटोरी चीनी, यानी 1 किलो के लिए 1 कटोरी चीनी काफ़ी है। आप यदि मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो मीठा और डाल लें। तो यहाँ पर इसे सारे चीनी को इसे मिला लें हम, मैश कर लें, और मैश करके हम क्या करेंगे इसे गैस पर बैठा देंगे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के तक। इसे हम ढक देंगे और ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। तब तक चीनी हमारा पानी छोड़ देगा, फिर 5 मिनट हो चुका। तो ढक्कन हटा कर इसे चला ले, देख ले एक बार इसे। तो इसमें अभी है थोड़ा थोड़ा पानी, है ना, देखिए थोड़ा थोड़ा पानी है। तो इसे फिर से वापस इसे एक बार और ढक ले। तो इस तरीके से ढक ढक कर आप 10 से 15 मिनट तक इसे पकाएं और फ्लेम को लो कर दें। तो लो करके इसे पकाएं ताकि गाजर भी पक जाए, और हमारा चीनी तो मेल्ट हो ही चुका है, तो चीनी का पानी देखिए इसमें सूख चुका है और गाजर भी अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं, है ना। तो अब इस समय हम क्या करेंगे इस स्टेज में कि हम इसमें 3 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी डालकर इसे मिला लेंगे अच्छे से। तो घी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो है ना कितना आसान, एकदम बिल्कुल ही आसान तरीके से, ये जैसे हम सब्जी बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें इसे बनाना है। कोई तामझाम नहीं है इसे बनाने में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर घी हमारा मेल्ट हो चुका है, है ना। तो घी आप हलवा में जितना ज़्यादा डालें अच्छा रहेगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब इस स्टेज में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम मावा लेंगे। यहाँ पर मावा हमने 200 ग्राम मावा लिया है, और इसे घस लिए हैं देखिए, और इसे हम क्या करेंगे इसमें हम डाल देंगे। आप यदि आपके पास यदि मावा नहीं है तो आप दूध को जला के गाढ़ा करके इसमें ऐड कर लें, और इसमें आप 5-6 हरी इलायची कुटकर डाल दें, किशमिश डाल दें, काजू डाल दें। तो दोस्तों यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर, मावा डालकर आप 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से पका लें। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इस तरीके से
बना ले। इसे बनाना बहुत ही आसान है, न घंटों समय लगेगा, 15 मिनट में आपका बनकर तैयार होगा। आप इसे रोज बना सकते हैं, कोई गेस्ट आए तो फटाफट आप इसे बना सकते हैं। तो है ना कितना आसान और इजी बनाना। तो चलिए अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल ले रहे हैं। दोस्तों ये हमारा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी गाजर का हलवा तैयार है। तो आप इसे बिना घंटों समय लगाए बना सकते हैं। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी और बनाने का तरीका पसंद आया तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।